हाय गाइज, वेलकम बैक टू जेके एग्जाम क्रैकर और मैं हूं अंकुश ठाकुर। आज एक और वीडियो एनिशियंट हिस्ट्री के मैं लेकर आया हूं एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं बुद्धिज्म एंड जैनिज्म के बारे में। सबसे पहले तो ये चीज दैट व्हाई बुद्धिज्म एंड जैनिज्म कम इनटू एग्जिस्टेंस, क्या वजह थी बुद्धिज्म और जैनिज्म के आने की। तो स्टोरी कुछ इस प्रकार से है दैट जब वैदिक पीरियड में हमने देखा, हमने दो वैदिक पीरियड को डिस्कस किया था अर्लियर एंड लेटर वाले में, एंड ऑफ कोर्स इन लेटर में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि ब्राह्मण जो डोमिनेशन है वो सोसाइटी में काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। ब्राह्मणिज्म की वजह से उन्होंने जैसे वर्णा सिस्टम को जो है वो परमानेंटली फिक्स कर दिया एंड ऐसे बहुत सारी चीज़ें उन्होंने जो है करना सोसाइटी में स्टार्ट कर दिया जिससे उनकी डोमिनेशन सोसाइटी में बढ़ गई। तो बहुत सारे ऐसे लोग थे, स्पेशली जैसे हम लोग देखेंगे जो जैनिज्म और बुद्धिज्म के जो फाउंडर थे, दे बिलोंग्स टू क्षत्रिय क्लैन एंड उन लोगों ने एक चैलेंज, आप कह सकते हो एक चैलेंजिंग फोर्स, ये जो है बुद्धिज्म जैनिज्म दे और बेसिकली ए चैलेंज फोर्स टुवर्ड्स दैट डोमिनेशन जो सोसाइटी में हो रहा है, ठीक है, उसके लिए ऑपोजिशन में जो है जैनिज्म बुद्धिज्म लाया जाएगा बिकॉज जो हिंदुइज्म था वो अपनी एसेंस धीरे धीरे खो रहा था बिकॉज ऑफ दीज ऑफ दिस बुद्धि, जो आपके ब्राह्मणिज्म था इसने सोसाइटी को अपने तरीके से चलाना स्टार्ट कर दिया था। दे हैव कंपाइल्ड डिफरेंट बुक्स एंड दे मतलब उन्होंने अपने जो पोजीशन थी सोसाइटी में उसको हायरार्की में ऊपर रखा एंड दे सेड के हम हैं तो तुम लोग हो एंड हम लोग जो हैं जो बोलेंगे आपको वही करना है। स्पेशली जो क्षत्रिय होते थे उनके लिए भी ऐसा उन्होंने करना स्टार्ट कर दिया। सो उनके उस डोमिनेशन के खिलाफ जो है जैनिज्म और बुद्धिज्म ने जन्म लिया। उन्होंने बताया दैट कैसे आप लोग जो ब्राह्मणिज्म जो है या जो ब्राह्मणिक सेक्ट है वो जिस तरीके से लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा है दैट कि आपका जो रिलीजन परस्पेक्टिव है या जिस तरीके से आप रिलीजन को चला रहे हो दिस इज नॉट द राइट पाथ, ये एक सही पाथ नहीं है। इन लोगों ने जो है अपने तरीके से लोगों को समझाने की जो है स्पेशली देखो आप लोग जो दलित सेक्शन होंगे, जो लोग बिल्कुल हायरार्की में डाउन होंगे, उनके लिए एक रास्ता खोला कि अगर आप बुद्धिज्म जैनिज्म की फिलोसफी पे चलोगे आप भी गॉड से जुड़ सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप जो ब्राह्मण जो लोग कहेंगे आप उन्हीं के अकॉर्डिंग चलोगे तो आपको गॉड के साथ जो है आप जुड़ोगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको गॉड के साथ जुड़ना है आपके एक्शंस, इन लोगों ने अपनी अपनी फिलॉसफी दी है, जैनिज्म की अपनी फिलॉसफी थी, बुद्धिज्म की अपनी फिलॉसफी थी कि आप कैसे जो है वो जुड़ सकते हो गॉड के साथ। इन्होंने जिंदगी का मतलब लोगों को अलग तरीके से समझाया जो 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 ब्राह्मण जो जिस तरीके से समझा रहे थे उनसे बिल्कुल हटकर इन्होंने अपने धर्म को जो है वो रिप्रेजेंट किया है। सो बेसिकली हम लोग यही जानते हैं दैट जैनिज्म और बुद्धिज्म क्या है, एक चैलेंज था, एक चैलेंजिंग फोर्स थी जो बिल्कुल पैरेलल में खड़ी हुई थी ब्राह्मणिज्म के ऑपोजिशन में, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीज समझ आ गई हो, नहीं आई है तो कोई बात नहीं, जब कभी लाइव सेशन होगा आप मुझे वहां पर क्वेश्चंस पूछ सकते हो और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी आप जो है कमेंट करके डाल सकते हो क्वेश्चन। मैं कोशिश करूंगा अगले किसी वीडियो में मैं उस क्वेश्चन का आंसर दे सकूं, ठीक है। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं, एक एक करके इनको पढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे जैनिज्म के बारे में। तो सबसे पहले अगेन जो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो जैनिज्म के बारे में हम पढ़ें तो देखो जैनिज्म जो है ये आया है बेसिकली कब, एग्जिस्टेंस अराउंड 600 BC में, ठीक है। कब ये एग्जिस्टेंस में आया है, ये आया है 600 BC के अराउंड, जो आपका टाइम है उसके टाइम पर ये एग्जिस्टेंस में जो है वो आया है। मेन कॉज क्या था, बीइंग द रिएक्शन अगेंस्ट द डोमिनेशन ऑफ ब्राह्मणास, ठीक है, ब्राह्मणास के ऑपोजिशन में इस रिलीजन को या इस जो भी आप इसको कहोगे फोर्स को जो है वो लाया गया था। स्प्रेड ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमी इन द नॉर्थ ईस्ट, ये दो रीजन माने जाते हैं जैनिज्म और बुद्धिज्म के आने के लिए। अब जैनिज्म वॉज फाउंडेड बाई, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जैनिज्म के फाउंडर कौन थे, तो ऋषभ देव जो थे वो इसके फाउंडर थे, ठीक है, ऋषभ देव जो है वो इसके फाउंडर है और इनका एम्बलम है बुल, याद रखिएगा इनका एम्बलम क्या है, बुल है गाइज इनका एम्बलम और इस पे भी क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, ठीक है। सॉरी, तो हम लोग देखते हैं इनका जन्म कहां पर होता है, अयोध्या में जो है इनका जन्म होता है, ठीक है।
देर वर 24 तीरंथकारास, तीरंथकारास का मतलब होता है ग्रेट टीचर। तो 24 ग्रेट टीचर हैं किसके, आपके जैनिज्म के, ठीक है। जैनिज्म के टोटल कितने टीचर हैं, 24 तीरंथकारास हैं। तीरंथकारास का मतलब होता है ग्रेट टीचर्स। एंड 23rd बीइंग द, जिसमें 23rd नंबर पर आते हैं तो 23rd पर आते हैं आपके परस वनथा, ठीक है। एंड 24th पर आते हैं वर्धमना, ठीक है, महावीरा, ठीक है, वर्धमन महावीरा आते हैं 24th पे। तो याद रखिएगा गाइस, 24 तीरंथकारास हैं, जिसमें 23rd पर आते हैं परसवनाथ, ठीक है, और 24th पर आते हैं आपके वर्धमना महावीरा। याद रखिएगा इनके बारे में, ठीक है। आप पेपर में पूछा जाता है 24th तीरंथकारास कौन थे, ठीक है, आपके 23rd तीरंथकारास कौन थे, ठीक है, तो इनके बारे में आपने जरूर पढ़ना है, ठीक है। महावीरा वॉज बोर्न इन, अब महावीरा यहां से आगे जो है इसको चलाते हैं। महावीरा का जन्म 550 BC में इन कहां पर हुआ है, कुंडाग्राम नियर विशाली में जो है इनका जन्म होता है। इनके फादर का नाम जो है वो क्या है, जंत्रिका, ठीक है, और ये क्षत्रिय क्लैन से बिलोंग करते हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि ये जितने भी लोग आएंगे, ये चाहे हम बुद्धिज्म की बात करें या जैनिज्म की बात करें, ये सारे लोग कौन से लोग होंगे, ये होंगे आपके क्षत्रिय क्लैन से, ठीक है। किस क्लैन से, क्षत्रिय क्लैन से ये लोग होंगे, याद रखना मेरी बात। ये लोग दोनों, चाहे हम लोग बात कर रहे हैं बुद्धिज्म की, चाहे बात कर रहे हैं जैनिज्म की, ये दोनों लोग जो हैं ये क्षत्रिय क्लैन से बिलोंग करेंगे, ठीक है। और ये क्या, इनकी मदर का नाम देखिए क्या है, मदर का नाम है त्रिशाला, जो सिस्टर थी किसकी, लिचेचवी जो चीफ थे चित्का के, ठीक है। अब ये अलग अलग नाम है, ये एनिशियल नाम है, ठीक है, थोड़ा प्रोनंसिएशन करने में थोड़ा होता है अपना अपना प्रोनंसिएशन को लेकर, सो इतना इसमें सीरियस होने वाली बात नहीं है, चले, ठीक है। तो इनके मदर का नाम है त्रिशाला, जो कि कहाँ की थी, लिचेचवी जो चीफ था, ठीक है, उनकी ये बहन थी जिसके साथ इनकी शादी हुई थी। इनकी माँ का नाम था, सॉरी, शादी इनकी इनके साथ नहीं हुई थी, इनकी माँ का नाम था। ये इनकी शादी जो हुई है यशोदरा, इनके यशोदा जो है इनके बीवी का नाम था, ठीक है, यशोदा। याद रखिएगा पेपर में पूछते हैं दैट महावीरा की बीवी का नाम क्या था, तो याद रखिएगा यशोदा उनकी बीवी का नाम था। एंड महावीरा और यशोदा की एक बेटी थी जिनका नाम क्या था, प्रियदर्शनी। क्या नाम था, प्रियदर्शनी। उनके हस्बैंड का नाम था, मतलब जो महावीर थे उनके जो सनील लॉ थे उनका नाम था जमील, ठीक है, जमाली था, और वो उनके फर्स्ट डिसाइपल बने थे। पहले स्टूडेंट महावीरा के कौन बने थे, उनके ही सनिल्लो, ठीक है, याद रखिएगा, उनके ही सनिल्लो थे जो उनके डिसाइपल फर्स्ट बने थे। ऐसे ही आपसे एमसीक्यूज में जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डोंट वरी, हम लोग कोशिश करेंगे, जब हम लोग एमसीक्यूज करवा रहे होते हैं तो हम लोग आपको दिखा दें कि इसमें से किस लेवल पर जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो गाइज, याद रखिएगा कि महावीरा और उनकी बीवी जो माँ थी उनका नाम था त्रिशाला, और इनकी बीवी का नाम था यशोदा, यशोदा और महावीरा की बेटी का नाम था क्या नाम था, प्रियदर्शनी। प्रियदर्शनी के हस्बैंड जिसकी शादी हुई थी किसके साथ, जमाली के साथ, एंड जमाली वाज द फर्स्ट डिसाइपल ऑफ महावीरा। तो अगर पेपर में अगर कभी ऐसा पूछा जाए हु वाज द फर्स्ट डिसाइपल ऑफ महावीरा, तो उनके सनिल्लो आपके माइंड में एकदम से हिट करना चाहिए, उनके सनिल्लो, उनका जो उसका जो बेटी का हस्बैंड था वो उनका फर्स्ट डिसाइपल बना था। महावीरा बिकम एन एस्थेटिक एट द एज ऑफ 30। महावीरा एस्थेटिक बने थे एट द एज ऑफ 30, अटेनिंग कवियला, कवियला मीन जीना आउटसाइड द टाउन ऑफ, देखिए यहां पर पूछा बताया जा रहा है कि इनको जो अपनी एनलाइटमेंट थी ये कहां पर हुई थी, तो याद रखिएगा वो ही थी जिम्बिक गर्मा, ठीक है, एक जगह का नाम है जिम्बिक गर्मा, जो जगह है वहां पर इनको एनलाइटमेंट हुई थी गाइज, याद रखिएगा कहां पर इनको एनलाइटमेंट हुई है, जिम्बिक गर्मा जो जगह है वहां पर इनको क्या हुआ था, कावियाला मींस जो इनको जो एनलाइटमेंट जो है इनको हुई थी। एंड एट द एंड ही डाइड, और इनकी मृत्यु जो हुई है, याद रखिएगा डेट भी याद रखिएगा एज भी याद रखिएगा, 72 में इनकी एज में इनकी डेथ होती है, और कब, 468 BC, कहां पर, पावापुरी में। तो आपने महावीरा के बारे में क्या पढ़ा, आपने महावीरा के बारे में पढ़ा उनके पापा का नाम, किस क्या नाम था उनके पापा का नाम, सिद्धार्था उनके पापा का नाम था। उनकी मम्मी का नाम क्या था, बिल्कुल उनकी मम्मी का नाम था त्रिशाला। उनकी उसकी महावीरा के बीवी का नाम था यशोदरा, यशोदा, सॉरी यशोधरा नहीं यशोदा। उनकी बेटी का नाम था
प्रियदर्शनी, प्रियदर्शनी की शादी हुई थी जमाली के साथ, जमाली उनका क्या था, जमाली उनका सन इन लॉ था एंड वॉज द फर्स्ट डिसाइपल ऑफ महावीरा। महावीरा जो है उन्होंने अपना घर जो या कह सकते हो जो उन्होंने एस्थेटिक काइंड ऑफ जो अपनी लाइफ स्टार्ट की एट द एज ऑफ 30 की थी, और फिर उनको जो अपना नॉलेज की जो एनलाइटमेंट हुई वो कहाँ पर हुई थी, जिम्भीका गर्मा जो जगह है वहाँ पर हुई थी, और उनकी मृत्यु 72 इयर्स की एज में उनकी मृत्यु होती है। और या हम लोग अगर साल देखें तो 468 BC कहाँ पर, पावापुरी में उनकी डेथ हो जाती है। इतनी सी कहानी है महावीरा की, और इसमें से आपको अगर क्वेश्चन आएगा इसी में से आएगा, हो सकता है आपको उनके फादर के बारे में पूछे, उनकी मदर के बारे में पूछे, उनकी बीवी के बारे में पूछे, या उनकी सिस्टर बहन डॉटर के बारे में पूछे, उनके फर्स्ट डिसाइपल के बारे में पूछे कि उनके पहले डिसाइपल कौन थे, या ये पूछ सकता उनकी मृत्यु कब हुई, कहाँ हुई, उनको एनलाइटमेंट उनके नॉलेज की कहाँ पर हुई, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन जो है वो रहते हैं, ठीक है। तो ये इसमें से ध्यान से एक बार इसको अच्छे से पढ़ लेना ताकि आपको कोई चीज़ भूले ना, ठीक है। अब जैनिज्म की डॉक्ट्रिन क्या कहती है, 5 प्रिंसिपल हैं इनके जैनिज्म के, ठीक है। ये कहते हैं कि अगर आपने अपनी लाइफ अच्छे से जीनी है एंड इफ यू रियली वॉन्ट टू बिकम एन एनलाइटेंड सोल, जो हर एक इंसान कोशिश करता, आप भी कर रहे होते हो, मैं भी कर रहा होता हूं, हर एक इंसान इस दुनिया में क्या चाहता है, सुख दुख से तकलीफ जो उसके लाइफ में होती है उन सब से वो निजात हासिल करना चाहता है या उससे दूर रहना चाहता है। सो जैनिज्म कहता है कि आप कैसे एक हैप्पी लाइफ जी सकते हो। उन्होंने कहा कि आप कुछ प्रिंसिपल्स हैं, अगर आप उन चीजों को फॉलो करते हो डेफिनेटली आपकी लाइफ जो है वो स्मूथ होगी, आप पीसफुली लाइफ जो है वो जीओगे हाँ जीत भी सकते हो, ठीक है। सो आप अगर जो आप में से जो लोग अगर जैनिज्म को फॉलो करना, क्योंकि देखिए ये जैनिज्म किसी पे थोपा नहीं जाता है कि हम जबरदस्ती इसको फॉलो करें, ये प्रिंसिपल है, आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो डजंट मैटर, बस आप इन प्रिंसिपल्स को अगर अपने, हर रिलीजन यही कहता है, हर रिलीजन का एसेंस एक ही है कि आप अगर इन चीज़ों को फॉलो, और मैंने जितने भी रिलीजन्स को देखा मैंने देखा कि हर एक में एक ही चीज़ कॉमन है, बस लाइफ को आपका देखने का पर्सपेक्टिव क्या कहता है, ठीक है। तो देखिए इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है डू नॉट कमिट वायलेंस, अहिंसा मत करो, लड़ाई झगड़ा मत करो, कुछ नहीं रखा है लड़ाई झगड़े में, किसी से लड़ाई झगड़ा करके क्या फायदा है हमें, लड़ाई झगड़ा करोगे अपना ही नुकसान है, है ना। अब मैं किसी के साथ लड़ने जाऊंगा वो मुझे मारेगा, मुझे नुकसान है, मैं उसके साथ लड़ूंगा, कोर्ट केस होगा, इतनी प्रॉब्लम्स होंगी, फैमिली डिस्टर्बेंस हो जाएगी, इस पैटर्न के आप जितना अहिंसा से दूर रह सकते हो अहिंसा से दूर रहो, फर्स्ट प्रिंसिपल इनका ये कहता है। दूसरा ये कहता है डू नॉट स्टील, चोरी मत करो, ठीक है, किसी भी चोरी मत करो, सही बात है, किसी भी प्रकार की चोरी आप नहीं करो, बिकॉज जब आप चोरी करते हो ना, चोरी आपने कर दी नो इशू, चलिए चोरी कर दी आपने, ठीक है, अब चोरी कर दी आपने तो कहीं ना कहीं आपके दिल में ऐसा रहेगा अरे यार मैं पकड़ा जाऊंगा, आज नहीं तो कल पकड़ा जाऊंगा, तो वो डर आपके दिल में हमेशा रहेगा, तो वो जो डर है वो आपको जीने नहीं देगा, इसलिए वो काम ही मत करो जिससे आप आपको डर लगे इन फ्यूचर। अगर आप चोरी नहीं करते हो, अगर आप कुछ ऐसा नहीं करते हो, ठीक है, आप पीसफुली आप अच्छे से लाइफ जी रहे हो अपनी, कुछ आपके लाइफ में टेंशन नहीं है, इंसान के लाइफ में टेंशन वो खुद क्रिएट करता है। नेक्स्ट डू नॉट एक्वायर प्रॉपर्टी, ये कहते हैं कि प्रॉपर्टी रख के कोई फायदा नहीं है, जैसे हम लोग भी कहते हैं ना कि इंसान इस दुनिया में खाली हाथ आया था एंड खाली हाथ जाएगा, ये वही फिलॉसफी है कि इंसान आप कितनी भी प्रॉपर्टी जोड़ लो कुछ भी कर लो, जब हम मरेंगे ना एक सिक्का हम अपने साथ लेकर नहीं जाते हैं, खाली बिल्कुल, ऊपर जाकर पता नहीं हमें प्रॉपर्टी मिलेगी नहीं मिलेगी, हाँ अगर होता ऐसा कुछ की प्रॉपर्टी लेकर जानी होती तो डेफिनेटली जो है हम लोग प्रॉपर्टी ज्यादा से ज्यादा एक्वायर करते। सो ये कहते थे कि कोई प्रॉपर्टी एक्वायर कर मत करो, ठीक है। तो देखिए इसके लिए उन्होंने वर्ड यूज किए हैं, डू नॉट स्टील के लिए उन्होंने कहा है अस्थिया, ठीक है, अपर ग्रिया कहा है उन्होंने कि प्रॉपर्टी मत एक्वायर करो, एंड डू नॉट स्पीक लाई, झूठ मत बोलो भाई साहब, सत्य, ठीक है, सत्य पे चलो, सत्य के मार्ग पे चलो, झूठ मत बोलो, अगर आप झूठ बोलोगे तो आपको, वो कहते हैं ना एक झूठ बोलने के लिए आपको फिर 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, एक झूठ को छुपाने के लिए एक्चुअली में, आपको अगर आप एक झूठ बोलते हो तो आपको उस झूठ को कवर करने के लिए आपको फिर दूसरा झूठ, दूसरा झूठ, दूसरा झूठ, दूसरा झूठ, ऐसे 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 करके फिर आप फ्रॉड बन जाते हो, फिर कोई आप पे ट्रस्ट नहीं करता है, एवरीबडी सेड कि ये चोर है ना। तो झूठ मत बोलो भाई साहब, सच बोलो क्या होगा,
मार पड़ेगी ज्यादा से ज्यादा, ये घर वाले दो चार थप्पड़ मार देंगे, फिर उसके बाद वो एटलीस्ट ये तो बोलेंगे ना, उनको पता चलेगा कि नहीं यार ये काम करेगा कुछ, लेकिन बता देगा, ठीक है। तो झूठ मत बोलो लाइफ में, झूठ बोलना सही में एक बहुत बुरी बात है। सो इन लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली हैं। ऑब्जर्व कॉन्टिनेंस दैट इज ब्रह्मचार्य, ब्रह्मचार्य को फॉलो करो। ब्रह्मचार्य होता है किसी भी चीज से लगाव मत रखो, ठीक है, पीसफुल रहो। हर चीज जो तुम्हारी लाइफ में है, तुम खुद समझदार हो अब, देखो कोई भी चीज तुम्हारी लाइफ में है वो परमानेंट तुम्हारे साथ नहीं है, वेदर इट इज योर फादर मदर सिस्टर और वट एवर यू हैव योर, मतलब जिसके साथ आप की अटैचमेंट इतनी ज्यादा है, कोई भी चीज आपके साथ परमानेंट नहीं है, वो आज भी जाएगी वो कल भी जाएगी। सो बोलते हैं कि इतना मन लगाने की जरूरत आपको किसी चीज में है ही नहीं, है ना। पीसफुल रहो, आज आज के घर वाले आपके साथ हैं वो हमेशा आपके साथ नहीं रहेंगे, तो आपको आज भी दुख झेलना है और कल भी दुख झेलना है। तो बोलते हैं किसी चीज के साथ ज्यादा अटैचमेंट मत रखो, ठीक है। सो इन्होंने इन चार पांच बातों के बारे में कहा है, इनको याद रखिएगा कि क्या क्या इन्होंने कहा है, बिकॉज कभी कभी पेपर में पूछ लेता है कि बताइए इनमें से कौन सी बात जो है या कौन सा प्रिंसिपल जो है जैनिज्म का था। तो पांच प्रिंसिपल इनके कौन कौन से मेरे दोस्तों, एक वायलेंस मत करो, चोरी मत करो, प्रॉपर्टी मत किट्ठी करो, एंड डू नॉट स्पीक लाई, झूठ मत बोलो, एंड ऑब्जर्व कॉन्टिनेंस, ब्रह्मचार्य को जो है वो फॉलो करो। चलिए आगे देखते हैं और क्या बोलते हैं जैनिज्म वाले। तो जैनिज्म वालों ने ये चीज समझाने की कोशिश की, उसके बाद इन्होंने कहा थ्री रत्नाज ऑफ जैनिज्म, इनके तीन रत्नाज हैं कि आप अपनी लाइफ अच्छी कैसे रख सकते हो, अगर आप एक मतलब एक अच्छी पर्सनालिटी, जैसे मैं आपको हर वीडियो में कहता हूं कि आपके पास नॉलेज का होना बहुत जरूरी है। आप ये वीडियो पढ़ रहे हो, आप ये लेक्चर पढ़ रहे हो, इसको इस तरीके से मत पढ़ो गाइस कि आपको जॉब लेनी, अगर आप इस पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हो ना कि आपको जॉब लेनी है, आपको जॉब नहीं मिलेगी, ये गारंटी है। आपको पढ़ना है इस हिसाब से कि मुझे एक नॉलेजेबल पर्सन बनना है, मुझे नॉलेज होना चाहिए चीज का, बिकॉज जब आपको जॉब मिलेगी आपको वहां पर भी तो कितनी सारी चीजें देखने को मिलेंगी। जॉब करना इज मतलब जॉब लेना इज नॉट प्रॉब्लम, जॉब को चलाना, उसको आगे बढ़ना, उसको अपने तरीके से चलाना इज अ प्रॉब्लम। सो आपके पास क्या होना चाहिए, राइट नॉलेज होना चाहिए, अच्छा नॉलेज आपके पास हो, राइट फेथ आपके पास, अच्छा यकीन रखिए अच्छी चीजों में, एंड राइट कंडक्ट, अच्छे काम कीजिए। ये तीन ऐसे ट्रुथ हैं लाइफ के, जैनिज्म वाले कहते हैं कि अगर आप इन तीन ट्रुथ को आप अपनी लाइफ में लेकर चलते हो, आप एक हैप्पी लाइफ जी सकते हो, एंड आप जो है किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं होगी। साथ ही साथ हम देखें तो जैनिज्म कहता है कि सैल्वेशन इज पॉसिबल ओनली बाय अबेंडनिंग ऑल पोजेशन, जितना कुछ आपने इकट्ठा किया है ना उसको छोड़ने में ही आपकी भलाई है, क्योंकि वो चीज जैसे मैंने आपको एक चीज बोली दैट नथिंग इज परमानेंट विद यू, आज कोई आपके साथ है वो कल को नहीं रहेगा। सो आपको उन चीज को छोड़ने में ही आप सैल्वेशन मतलब जो है आजादी कह सकते हो आप अपने लाइफ की या अपने सोल की आप कर सकते हो। अ लॉन्ग कोर्स ऑफ फास्टिंग, इन्हें कहा कि लंबे समय तक फास्ट करना, सेल्फ मोटिव जो है मोटिफिकेशन करो, स्टडी एंड मेडिटेशन करो, आपको सैल्वेशन मिलेगी। देखिए हर एक चीज जो है, अब देखिए सैल्वेशन की बात आगे तो मैं एक और चीज बता दूं, चाहे हम लोग हिंदुइज्म की बात कर रहे हैं बिकॉज हिंदुइज्म था, हिंदुइज्म की ओपोजिशन में ये चीज आई है ना, तो ब्राह्मण जो लोग थे उन्होंने ना सोसाइटी में बहुत नई नई चीजें लाई थी कि अगर आप लाइफ में खुश रहना चाहते हो आप यू हैव टू सैक्रीफाइस, है ना, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि सैक्रीफाइस बढ़ गना स्टार्ट हो गई थी, लोगों से वो दान लेते थे पैसा दे दो, है ना, इस तरीके से हम लोग चलेंगे। इन्होंने कहा कि भाई साहब ये जो बोल रहे हैं ये ठीक है, उनकी फिलॉसफी है, लेकिन आप एक और तरीका भी है कि आप लाइफ में सैल्वेशन काइंड ऑफ जो भी आपका कंसेप्ट है जन्नत को पाना या लाइक जो आपका है कि हम लोगों को स्वर्ग में मिलना, है ना, यही हर रिलीजन कहता है, कोई स्वर्ग कह रहा है कोई जन्नत कह रहा है, तो ये लोग कहते हैं कि भाई साहब आपको ये चीजें बगैर फॉलो करते हुए अगर आप ये चीजें भी फॉलो करोगे ना अपने लाइफ में तो आपको जन्नत या जो स्वर्ग है वो मिलेगा, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा जैनिज्म रिकॉग्नाइज एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, इन्होंने कहा कि भगवान है बट लोअर देन द जना, लेकिन
वो जना से बड़ा नहीं है, जना इज लाइक पीपल, लोग मतलब कहते हैं कि इंसान से बड़ा भगवान नहीं है, ठीक है, इंसान है तो भगवान है, हम लोग बोलते मानते हैं तो भगवान है, बिकॉज नो बडी हैव सीन द गॉड, किसी ने भगवान को नहीं देखा है, लेकिन कहते हम मानते हैं कि भगवान है, ऐसा नहीं कि हम लोग ये नहीं कहते कि गॉड नहीं है, गॉड है लेकिन इंसान से ज्यादा ऊपर नहीं है, वो इंसान से क्या है, नॉट लोअर देन जना है वो, ठीक है। इट डिड नॉट कंडेम वर्णा सिस्टम, इन्होंने कभी नहीं कहा कि वर्णा सिस्टम गलत है, अनलाइक बुद्धिज्म, लेकिन बुद्धिज्म ने कहा था कि वर्णा सिस्टम जो है वो गलत है, वो गलत कंसेप्ट है, उसके खिलाफ बुद्धिज्म ने बात उठाई थी, जैनिज्म ने कभी भी वर्णा सिस्टम के बारे में कभी नहीं बोला। जैनिज्म कुड नॉट डीलिंक क्लियरली फ्रॉम ब्राह्मणिकल रिलीजन, हैंस फेल टू अटैक मासेस, लेकिन जैनिज्म जो है वो ज्यादा लिंक नहीं कर पाया साफ तरीके से, इसलिए वो फेल हो गया लोगों को अपनी तरफ खींचने में। एडमिटेड इसने कहा था कि बोथ वोमेन एंड मैन एंड वोमेन जो है वो आ सकते हैं हमारे रिलीजन में। जैन मोनेस्टिक एस्टेब्लिशमेंट वर कॉल्ड बदीज, ठीक है, जो मंदिर काइंड ऑफ कह सकते हो, जैसे मुस्लिम्स की मस्जिद होती है, हिंदूज की जो है मंदिर होता है, तो इन्होंने कहा जैन्स का जो मंदिर होगा उसको उन्होंने कहा बदीज, ठीक है, या इसको हम कहते हैं बासादीस, ठीक है, बासादीस वो कहते थे इसको, ठीक है गाइज, याद रखना। तो अगर आपको पेपर में पूछा जाए कि व्हाट डज बासादीस स्टैंड्स फॉर, तो आपको पता होना चाहिए जैनिज्म में उसका मतलब होता है उनकी जैन मोनेस्टिक जो होते थे। नेक्स्ट हम देखते हैं, जैनिज्म वॉज पैट्रनाइज्ड बाय करावेला द किंग ऑफ कलिंगा। देखिए अब जैनिज्म को किन किनों ने जो है एक्सेप्ट किया था, तो सबसे पहले थे करावेला जो किंग थे कलिंगा के, उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको बिकम द डिसाइपल ऑफ भद्रबाहु, ठीक है, भद्रबाहु इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, चंद्रगुप्ता ने किसके अंडर जो है जैनिज्म को एक्सेप्ट किया था, तो याद रखेगा चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रबाहु के कहने पर जो है जैनिज्म को एक्सेप्ट किया था, एंड यहां पर थोड़ी बीमारियां वगैरह फैलने की वजह से जैनिज्म को सेपरेट किया था उन्होंने साउथ ऑफ इंडिया में, तो ये साउथ ऑफ इंडिया चले गए थे, ठीक है, वहीं पर इनकी जो है चंद्रगुप्त मौर्य की जहां पर डेथ हो गई थी, ठीक है, इन्होंने वहां पर जैनिज्म वाले कहते थे कि जब आपका एंड आता है तो आपको कुछ खाना पीना सब छोड़ना पड़ता है, तो वो उनकी जो एंड होता था ना मौत जिसको हम कहते हैं, तो बड़ी दर्दनाक होती, बिकॉज आपको सब कुछ छोड़ना है, पानी सिर्फ आप हवा पे आप जिंदा रहोगे, तो ये इसने यही फॉलो किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, एंड इसकी डेथ जो है वहां पर हुई थी गाइस, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसके अंडर जो है वो आपका जैनिज्म एक्सेप्ट किया था, तो याद रखना भद्रबाहु याद रहेगा आपको, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब जैनिज्म जो है वो डिवाइड है दो सेक्ट में, जो जैनिज्म है वो डिवाइडेड है कितने सेक्ट में, दो सेक्ट में, और ये कब हुआ है, विलहबी काउंसिल जब हो रही थी, विलहबी काउंसिल में जैनिज्म दो गुटों में डिवाइड हो गया था, नामली श्वेतांब्र एंड दिगांब्रस, ठीक है। श्वेतांब्र कौन से हैं, जो कहते हैं वेयरिंग व्हाइट ड्रेसेस, वो पूरे आपने देखे होंगे जैन मॉन्क जो होते हैं वो पूरे तरीके से क्या करते हैं, व्हाइट कलर के जो है कपड़े पहनते हैं, ठीक है, अंडर, और ये जो श्वेतांबर हैं ये किसके अंडर बने थे, सतुला भद्रा, ठीक है, और दिगांबर जो हैं वो नैकेड होते हैं बिल्कुल नंगे, ठीक है, वो कोई कपड़ा वपड़ा नहीं पहनते, और ये बने थे भद्रबाहु के अंडर, ठीक है। जैन टेक्स्ट वर रिटन इन प्राकृतिक लैंग्वेज, वेरी इंपॉर्टेंट कि जैन टेक्स्ट किस में लिखा होता है, तो ये लिखा है प्राकृतिक लैंग्वेज में, ठीक है, याद रखिएगा गाइज मेरी ये बात, प्राकृतिक लैंग्वेज में जो है वो लिखा गया है किसको, आपके जैन जो भी टेक्स्ट हमें मिलते हैं जैन टेक्स्ट, उनमें इसके बारे में लिखा गया है। एक और चीज मैं यहां पर बता दूं कि इनकी एक काउंसिल भी होती थी, मीटिंग्स होती थी इनकी, ठीक है, तो इनकी दो काउंसिल्स हुई हैं जिनके बारे में पेपर में पूछा जाता है। इतना कुछ बताया मैंने आपको जैनिज्म के बारे में, एंड ऑब्वियसली इसमें से क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, नहीं भी पूछा जा सकता, तो मोस्टली जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है मैं वही आपसे डिस्कस कर रहा हूं। हालांकि जैनिज्म फिलोसफी बहुत बड़ी फिलोसफी है, इस पर आपको कोई एक टॉपिक नहीं मिल सकता है, बल्कि पूरी बुक्स की बुक्स आपको जैन उस पर मिल सकती है, पर इतनी फिलोसफी आपको समझनी नहीं है, आपको सिंपल पता होना चाहिए कौन फाउंडर थे, कितने ग्रुप्स थे, कहां इनकी काउंसिल हुई थी, किस किसने इसको जो है वो एक्सेप्ट किया था, इससे ज्यादा आप फिलोसफी समझने की आप मत करो। तो देखो जैन काउंसिल के बारे में बताऊं तो इनकी दो काउंसिल्स हुई हैं। फर्स्ट काउंसिल हुई है 300 बीसी में एट पाटलिपुत्र अंडर सतलु भद्रा, ठीक है, पाटलिपुत्र में, और जैना कैनोन्स जो है कंपाइल किए गए थे यहां पर, ठीक है, यहां पर जैन जो है वो उनको जैना कैनोन्स जो है वो कंपाइल किए गए थे। सेकंड काउंसिल हुई है वेलाबी में 5th सेंचुरी में, और यहां पर अंडर किसके थे ये, खाशरम खाश अमा
एक मिनट गाइस, इसको बहुत प्रोनाउंसिएशन करने में बहुत इनको प्रॉब्लम आती है, ठीक है। खाशमारा रामानम, ठीक है, इसके अंडर इसको बनाया गया था, कब अंडर हुई थी ये, वलाबी में। 12 अंगाज एंड 12 उपअंगाज वर कंपाइल्ड। देखिए पेपर में पूछा जाता है 12 अंगाज और 12 उपअंगाज कहां पर कंपाइल्ड किए गए थे, तो सेकंड काउंसिल में किए गए थे, या कभी कभी ये पूछा जाता है दैट बताइए पहली जो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुई है, तो 5th सेंचुरी में ये हुई है। एंड इसके अंदर ये भी कभी कभी ये याद रखना, ठीक है, जो मैं चीज अंडरलाइन कर रहा हूं इन चीजों को अपने कॉपी पर नोट्स पर अंडरलाइन जो है वो कर लीजिएगा गाइज। तो ये थे गाइज जैनिज्म के बारे में। तो सबसे पहले मैं एक बार फिर से आपको रिवीजन दे दूं फटाफट, इसमें क्या क्या याद रखना है, इसके फाउंडर, इसके कितने तीर्थंकरास थे, इनकी प्रिंसिपल्स क्या क्या थे, किस किस चीज को ये फॉलो अप करने को कहते थे, क्या चीज ये करने को नहीं कहते थे, ठीक है। अच्छा, किसने इसको एक्सेप्ट किया था, किसके अंडर एक्सेप्ट किया था, ठीक है। एंड जितनी भी चीजें मैंने रेड कलर में की हुई है स्लाइड पर, उनको बार बार देखिएगा। देखिए हम लोग MCQs डेफिनेटली करेंगे, वहां पर आपको फर्दर जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो और एड ऑन हो जाएंगी। सो वीडियो प्लस MCQs देखना जरूरी है आपके लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि कमेंट्स आ रहे थे दैट सर और डीप में जाइए, तो ऑलरेडी हमारी वीडियो जो है वो 1 आवर की बन ही जाती है, तो कितना है डीप चले जाए, ठीक है। डीप हम लोग तभी जा सकते हैं या तो जो आपको ऑफलाइन आना पड़ेगा या आपको ऑनलाइन क्लासेस में आना, बिकॉज वहां पर हमारे पास कोई टाइम लिमिट नहीं होती है। हम वहां पर 2 से 3 डेढ़ घंटे की भी क्लास लेते हैं, वहां पर फिलोसफी पूरी आपको बताई जाती है, तो यहां पर फिक्स रहता है, बिकॉज आप लोग ही जो है फिर वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, फिर आप ही के बच्चों के कमेंट आते हैं सर वीडियो बहुत लंबी बन रही है, इसलिए हमारी कोशिश होती है कम वीडियो में ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन देने की। एंड प्लस हम MCQs भी इसीलिए करवाते हैं ताकि आप लोगों के पास पूरे स्टार्ट जो है नॉलेज का बन जाए। सो वीडियो लेक्चर देखो, उसके बाद उसके MCQs देखो, जो MCQs आपको आता है वेरी गुड, नहीं आता है उसको अंडरलाइन करो कि हाँ ये चीज हमने सीखी इसमें। तो चलिए अब आते हैं बुद्धिज्म के ऊपर। तो बुद्धिज्म की बात अगर मैं बताऊं तो बुद्धिज्म के फाउंडर थे गौतम बुद्धा, याद रखें ये तो आपको पता ही है, गौतम बुद्धा जो है इसके फाउंडर थे। इनको इनका जो असली नाम था, उनका पहला नाम जो था वो था सिद्धार्था, और साख्या मुनि भी इनको कहा जाता है, या तथा गता भी इनको कहा जाता है। तो इनके बहुत सारे नाम हैं, ठीक है। सो ये नाम याद रखेगा क्योंकि बेसिकली या तो उसके फाउंडर के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। तो बुद्धिज्म की फिलोसफी बुद्धा से ही स्टार्ट हुई थी, एंड ऑफ कोर्स ही आल्सो बिलोंग्स टू अ क्षत्रिय क्लैन। उनके जन्म देखिए कब हुआ है, 563 BC में इन लुम्बनी इन नेपाल में, ठीक है। शाख्या क्षत्रिय क्लैन था जहां पर इनका जन्म जो है वो हुआ था। इनके पापा का नाम, हिज फादर वॉज सुदोधना एंड वॉज अ शाखा रूलर, एंड हिज मदर महामाया जो है थी, और वो बिलोंग करती थी कोसला डायनेस्टी, जो उनके जन्म देते वक्त थी, इनकी मृत्यु जो है, इनकी डेथ जो है वो हुई थी। तो बुद्धा को जो है उनकी स्टेप मदर गोमती ने पाला हुआ है, ठीक है। इनकी असली माँ का नाम था महामाया, ठीक है, एंड महामाया उनको जन्म देते वक्त थी, उनकी मृत्यु हो गई थी, एंड उनकी जगह पर उनको पाला था उनकी स्टेप मदर जो थी, उनका नाम था गोमती। अब जो बुद्धा जब पैदा हुए, बुद्धा के पापा ने जब एक एस्ट्रोलॉजर को बताया कि मेरे घर बेटा हुआ है, उन्होंने बोला कि या तो तेरा बेटा एक बहुत एनलाइटेंड सोल होगी, या तो वो दुनिया का जो है बिल्कुल जिस मतलब जो है घरवार वो छोड़ देगा, कुछ प्रिडिक्शन उन्होंने इसको लेकर जो है लॉर्ड बुद्धा को लेकर जो है वो कर दी। इनके पापा काफी ज्यादा परेशान हुए, उन्होंने बुद्धा को कभी बाहर जाने नहीं दिया, घर के अंदर ही रखा, बाहर की दुनिया से बिल्कुल महरूम कि बाहर कुछ नहीं है, सब इधर ही है, हर चीज खाना पीना रहना जो कुछ भी उनको चाहिए था वो घर पे उनको दे दिया। फाइनली उनकी शादी जो है एक लड़की से करवा दी गई जिसका नाम था यशोधरा, जिनकी जो है उनका एक बेटा भी था जिसका नाम था राहुल, ठीक है। राहुला कहीं पे लिखा हुआ है, कहीं पे राहुल लिखा हुआ है, तो अपनी मर्जी आप राहुल याद रखिए या राहुला याद रखिए, जो आपका मन करे, ठीक है। अब आपको फ्रीडम है मेरी तरफ से इतना याद करें। तो देखिए जन्म कब हुआ, किस किंग से थे, बिलोंग करते थे, शाखिया क्षत्रिय क्लैन से थे, उनकी माँ का नाम महामाया था लेकिन वो मर गई थी बेचारी, एंड उनको पाला था गोमती ने। इनकी शादी यशोधरा से हुई और हैड अ सन राहुला इनका नाम था, ठीक है। अब बुद्धिज्म जो है, अब कुछ टाइम के बाद ये कहा जाता है, स्टोरी तो आपको पता ही है, मोस्टली सबको पता ही होती है, दैट एक दिन बुद्धा ने अपने सारथी से जो है कहा कि चलो हमें कहीं बाहर लेके चलो। तो जब वो बाहर आए तो उन्होंने बाहर देखा कि कोई रो रहा है, कोई खाने को लेकर रो रहा है, किसी की कोई डेड बॉडी लेकर जा रहा है। तो उसने अपने उससे पूछा कि ये सब क्या है और ये लोग क्या है, उसने कहा कि ये लोग मर रहे हैं। तो इनको ना डर लग गया
कि यार मैं भी मरूंगा, मुझे ऐसे नहीं मरना है जैसे आम आदमी मर रहे हैं। सो फॉर दैट रीजन इन्होंने अपना घर बार जो है वो छोड़ दिया एंड वो दर दर भटकने लगे। हर जगह उन्होंने हर कोशिश की, लाइक पीके मूवी देखी है ना आपने, उसमें भी आमिर खान जो होता है उसको अपना रिमोट चाहिए होता है, तो कोई उसको कहता है गुलाटी मार, कोई कहता है उसको फलानी मंदिर चला जा, कोई कहता है उसको वो जो मारते हैं मुस्लिम में जो होता है वो है ना शिया या पता नहीं कौन है सॉरी जो भी होगा वो मारते हैं, वो कर कभी क्या कर, तो वो हर बेचारा हर कोशिश करता है लाइक बुद्धा, वो भी वो बहुत सारी चीजें जो हैं वो करते हैं, लेकिन एट द एंड बुद्धा जो हैं जब वो एनलाइट होते हैं बोध गया में, यूपी में अगर कभी जाओ आप लोग, बड़ी ही खूबसूरत जगह है ठीक है, तो बुद्धा ने देखा कि भाई साहब ये कोई तरीका नहीं है सैल्यूवेशन हासिल करने का। अगर आपको सही में गॉड के साथ जुड़ना है या जो भी आप कंसेप्ट है गॉड का, तो बोलता है उस वो ऐसे नहीं है कि आप सैक्रिफाइस करो, आप भूखे रहो, आप ये करो, आप वो करो, आप गुलाटी मारो या जो भी है, बल्कि सैल्यूवेशन का तरीका कुछ और है। तो इन्होंने अपनी तरफ से एक फिलॉसफी जो है वो लोगों को समझाई एंड ऑफ कोर्स इसके फिलोसोफर्स जो हैं बने ये एंड इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है बुद्धिज्म को फैलाया। सो तिरंथ थ्री रत्नाज ऑफ बुद्धिज्म स्टैंड फॉर थ्री पिलर, जो बुद्धिज्म है वो तीन पिलर पर जो है वो टिका हुआ है, या हम कह सकते हैं उसकी बुनियाद जो है वो तीन पिलर पर है। एक है बुद्धा जो उसके फाउंडर माने जाते हैं, दमा इट्स टीचिंग, दमा मतलब बुद्धिज्म ने क्या टीचिंग है बुद्धिज्म की, अगर आप वो फॉलो करो। नेक्स्ट वी हैव संगा, संगा इज द ऑर्डर ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड नंस, कि आपको बुद्धिस्ट मॉन्क बनना है या आपको उसकी जो भी फॉलोअर बनोगे आप, तो वो संगा में आता है ठीक है। बुद्धिज्म वॉल ऑल्सो डिवाइडेड इंटू टू मेन सेक्ट, देखिए बुद्धिज्म के दो सेक्ट है, वन इज हयाना एंड अनदर इज महायाना, याद रखिएगा गाइज, आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि बुद्धिज्म का जो है कितने डिवीजन में वो है, तो बुद्धिज्म दो हिस्सों में डिवाइड है आज के टाइम पे, एंड बुद्धिज्म दो टाइप कौन से हैं, मायाना एंड हयाना ठीक है। ये क्लियर हो गया आपका, मायाना हयाना ये क्या है, ये बुद्धिज्म के दो ग्रुप्स है। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई, इतना भी कुछ मुश्किल नहीं है मैथ्स जैसा कि आपको समझ ना आए। नेक्स्ट वी हैव फेजेस ऑफ बुद्धाज लाइफ, अगर हम बुद्धा के लाइफ को देखें तो उसको हमने अलग अलग सिंबल्स के साथ जो है डिनोट किया हुआ है, एंड ऑफ कोर्स इसमें से भी क्वेश्चन जो है वो पूछते हैं। जैसे बुद्धा का जब जन्म हुआ तो हमने उसको लोटस के सिंबल के साथ शो किया है ठीक है। रिनंसिएशन जब हुई है उनको, जिसको कहा जाता है महाभी शिरकरम ठीक है, कर्मानम ठीक है, जब उनको रिनंसिएट किया था, उन्होंने जब रिनाउंस किया था, सब कुछ छोड़ दिया था, जब वो छोड़ के चले गए थे, तो उनको उसको हमने डिनोट किया हुआ है हॉर्स के साथ। निर्वाणा, निर्वाणा इज लाइक जब उनको एनलाइटमेंट हुई थी, जब वो एनलाइट हो गए, जब उनको नॉलेज मिल गया, ट्रू रियल नॉलेज इस लाइफ का, उसको हमने बोधी ट्री के साथ हम उसको डिनोट करते हैं। धर्मचक्र परिवर्तना को हम लोग व्हील के साथ शो करते हैं, एंड महापरिवर्तना उनकी जब डेथ होती है उसको हम कहते हैं उनको, उसको हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है स्तूपाज के साथ ठीक है, स्तूपा के साथ। तो ये सिंबल याद रखिएगा, बिकॉज कभी कभी जो है ऐसे क्वेश्चन भी जो है वो पूछे जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं टीचिंग ऑफ बुद्धा क्या है ठीक है। बुद्धिज्म की जो टीचिंग है, जो हमने धम्मा है, जो बेसिकली आपको वो चीजें फॉलो करनी है, इफ यू वॉन्ट टू बिकम अ बुद्धिस्ट और यू वॉन्ट टू मतलब जो भी उनकी फिलोसफी है कि अगर आप एक हैप्पी लाइफ, अगेन जैसे जैन्स थे, जैन की तरह इन्होंने भी कहा है कि आप एक हैप्पी लाइफ कैसे जी सकते हो, तो फोर ग्रेट ट्रूथ है इनके, दैट इन्होंने कहा कि चार इस दुनिया के ट्रूथ हैं, सच्चाई है इस दुनिया की चार। पहली, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो एंड मिजरी, कहता है ये पूरी दुनिया दुख और मुसीबतों से भरी हुई है। सही भी बात है, कोई माँ को माँ के मतलब कोई माँ है वो अपने बेटे के लिए रो रही है, किसी की माँ नहीं है तो बेटा माँ के लिए रो रहा है, किसी को प्रॉपर्टी की पड़ी हुई है, किसी को किसी चीज़ की पड़ी हुई है, आप लोगों को पड़ी हुई है, एग्जाम आ रहा है तो आप रो रहे हो, मेरे को टेंशन पड़ी है कि आप लोगों को पढ़ाना है ठीक है, मैं कोई चीज़ गलत ना पढ़ा दूँ, एंड ऑफ कोर्स कुछ लोग ऐसे हैं जो ये सोच रहे हैं कि सर कौन सी गलत बात बोल लें और मैं कौन सा कमेंट फेंक दूं सर के ऊपर, है ना। एवरीबडी जो है हर किस्म से जो है सॉरो एंड मिजरी लाइफ में जो है हर किसी की है, आपकी भी होंगी मेरी भी होंगी। किसी को टेंशन पड़ी है कि उसको उसको गाड़ी चलानी है, किसी को टेंशन पड़ी है कि उसकी जो है कोई माँ हॉस्पिटल में है ना। देख लो आप आस पड़ोस में देखो, अगर आप 100 बंदे को पकड़ के देखोगे ना तो 100 बंदों की आपको 100 तकलीफें सुनने को मिलेंगी। तो बुद्धिस्ट कहते हैं, बुद्धिज्म कहता है कि ये पूरी दुनिया जो है दुख और तकलीफ से भरी हुई है। कॉज ऑफ ऑल पेन अराउंड मिजरी इज डिजायर, और कहता है कि इंसान की लाइफ में ये सारी प्रॉब्लम्स क्यों है, उसकी डिजायर को लेकर। बिल्कुल सही बात है ना,
हम हर किसी की डिजायर है, मैं ऐसा करूंगा, मेरे पास पैसा आएगा मैं ये करूंगा, और उसके चक्रों में वो कुछ भी करने के लिए तैयार है, फिर खुद ही मुसीबतें पाल रहा है अपने लिए। किसी के पास ज्यादा पैसा है तो वो तकलीफ में, यार अब मेरे पास पैसा ज्यादा आ गया कहीं आईटी वाले मुझे ना पकड़ लें, अच्छा कोई मेरा पैसा ना खा ले, मेरा पैसा उसके पास फंसा, मैंने उसको उधार दिया है, कोई ये सोच रहा है कि अरे यार। हर किसी की लाइफ की परेशानियां अलग हैं, और कहता है कि पूरी मुसीबतों की जड़ ही इंसान की डिजायर है, क्या है उसकी चाहत। कहता है अपनी चाहत को मार दो, खत्म करो अपनी चाहत को, यू विल बी हैप्पी। सही भी बात है, आपकी लाइफ में अगर आपकी लाइफ से मैं डिजायर नाम की चीज निकाल दूं ना, आप खुश रहोगे, आप बोलोगे वाकया यार मेरी लाइफ पीसफुल है, नहीं चाहिए मुझे पैसा, नहीं चाहिए मुझे ये चीज, नहीं मैं बस थोड़े में ही खुश रहूं, है ना। लेकिन इंसान नहीं है, अगर आज आप ऐसा ही बन रहे हो, कल को आपको ये रहेगा कि अरे मैं सब इंस्पेक्टर से डीएसपी कैसे बनूं, तो आपका डिजायर वो जो चीज़ है वो बढ़ती रहेगी। मेरे को गाड़ी चाहिए, मेरे को गाड़ी मिल गई, फिर मेरे को, जैसे हम छोटे होते हैं ना, तो हम लोग कहते थे कि पहले जब हम लोग नहीं, मतलब जॉब नहीं करते थे, तो इस लाइक मेरे पास जॉब होगी मैं ये करूंगा, जब वो चीज़ आ, अरे अब ये नहीं, मुझे मारुति नहीं चाहिए, मुझे अब स्कॉर्पियो चाहिए, स्कॉर्पियो मिल गया, अरे स्कॉर्पियो क्यों, मुझे फरारी चाहिए, फरारी भी मिल जाएगी, फिर आप बोलोगे अरे फरारी क्यों, जब इतना पैसा है तो मैं प्राइवेट जेट ले लेता हूं। तो देखो इंसान की डिजायर ना बढ़ती जा रही है, और उस डिजायर की वजह से फिर उसकी लाइफ में सोरो एंड मिजरी आ रही है। पेन एंड मिजरी कैन बी एंडेड, इसने कहा कि आप ये दुख और ये मिजरी परेशानियां खत्म कर सकते हो बाय किलिंग और कंट्रोलिंग द डिजायर। अगर आप अपनी डिजायर को मार दो या उसको कंट्रोल करना सीख लो, आपकी लाइफ जो है वो हैप्पी रहेगी, खुश रहेगी, आपको कोई तकलीफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ये चीजें, जो बच्चों, अगर ये बच्चों देखो आप लोग ये चीजें पढ़ रहे हो, ये बहुत अच्छी चीजें हैं, अगर आपको फॉलो अप करनी है तो आप कर लो, बहुत अच्छी चीज़ है, अपनी लाइफ के प्रिंसिपल्स बना लो, ठीक है, एंड इन चीज़ों को फॉलो करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बुद्धिस्ट बन जाओ, नहीं, ये आप किसी भी रिलीजन में रहकर फॉलो अप कर सकते हो, बड़ी अच्छी चीज़ें हैं ये, लाइफ के ट्रूथ हैं। डिजायर कैन बी कंट्रोल बाई फॉलोइंग, अब सवाल आता है कि आप डिजायर कैसे कंट्रोल करोगे। कहते हैं डिजायर आप कंट्रोल कर सकते हो कैसे, राइट अंडरस्टैंडिंग से। अब आपको पता है दैट पानी पीने से प्यास बुझती है ना, तो आप पानी पियोगे, गलत चीज़ का सेवन नहीं करोगे। आपको पता है कोई बेचारा एक लंगड़ा लूला आपके पास आता है, उसके हाथ कटे हुए हैं, पैर कटे हुए हैं, उसको आप दान दे सकते हो कि भाई ये तू नहीं कर सकता है कुछ। अब एक हट्टा कट्टा बंदा आपके पास आता है और बोलता है भैया ऊपर वाले के नाम पे दे दो, उसको कुछ मत दो, बोलो कि भाई तू कमा सकता है, ठीक है। हर किसी के लाइफ में जो है हर कोई शॉर्टकट से पैसा कमाना चाहता है ना, लेकिन उसको समझाओ कि भाई तू कम काम कर सकता है, उससे अच्छा बोलो तू मेरे घर काम कर, मैं तुझे पैसे दूंगा। तो अंडरस्टैंडिंग, हर चीज़ को लेकर आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए, एंड डेफिनेटली ये चीज़ आपको प्रैक्टिकल लाइफ में भी लेनी चाहिए। नेक्स्ट इज राइट एफर्ट, अच्छी कोशिश करो, अच्छी काम को लेकर एफर्ट करो कि मुझे, जैसे APJ अब्दुल कलाम थे, इतने बड़े बड़े जितने भी आप लोगों के महारथियों के नाम सुनते हो ना, उनके यही चीज़ें वो फॉलो करते थे, राइट अंडरस्टैंडिंग थी उनकी, अच्छे एफर्ट करते थे वो लोग, ठीक है। राइट थॉट, अच्छी सोच रखिए, हर चीज को लेकर अच्छा सोचिए, किसी के बारे में बुरा मत सोचिए, क्योंकि आप बुरा सोचने के चक्रों में उसके तो बुरा नहीं होगा लेकिन आपका बुरा जरूर हो जाएगा। सो अच्छा सोच, अच्छी सोच रखिए, हर किसी को हो सके तो अपने से मोटिवेट कीजिए, उसको अच्छा नॉलेज दीजिए, गुमराह मत करो किसी को, ठीक है। राइट स्पीच, अच्छा बोलिए, किसी को मैंने मतलब कुछ समझाना है तो अच्छी स्पीच होनी चाहिए आपकी, आपकी बातों से ही बंदे को लगना चाहिए कि नहीं यार, और जब बोलने को बोला जाए वही तभी बोलिए, सिचुएशन देखकर बोलिए, ऐसे नहीं कि आप कभी भी कुछ भी बोल दो। नेक्स्ट इज राइट एक्शन आपका होना चाहिए, क्या होना चाहिए, राइट एक्शन आपका, जो भी काम होगा वो सही होना चाहिए, गलत काम मत करो, चोरी मत करो, डाका मत डालो, ठीक है, ये सब मत करो। राइट माइंडफुलनेस होना चाहिए आपका, आपका माइंड जो है राइट होना चाहिए, अच्छा सोचे आपका माइंड, अच्छे क्रिएटिव आइडियाज उसमें आने चाहिए आपके। राइट लाइवलीहुड, अच्छा रहन सहन होना चाहिए, ठीक है, साफ सुथरा में आपको रहना चाहिए, ये तो पता ही है आपको, हर कोई फॉलो करता है। जैसे हम लोग नमाज के लिए जाते हैं या मंदिर जाते हैं तो हम अपने बॉडी को पूरा अच्छे से साफ करके, हाथ नाक पैर जो है वो साफ करके जाते हैं, फिर हम ऊपर वाले से प्रे करते हैं कि हमें हैप्पी रखना और उनको भी हैप्पी रखना एंड ऑल दैट जो भी है। तो ये कहता है कि अपने लाइवलीहुड को सही रखो और अच्छा कंसंट्रेशन करो, अच्छी बात को लेकर सोचो, सोचो आप SI के लिए तैयारी कर रहे हो तो सोचो अपने बारे में कि यार मेरे को, मैं क्यों नहीं बन सकता हूं SI, ऐसी क्या चीज है मेरे अंदर जो मुझे रोकती है SI बनने के लिए। मैंने इतने सारे एग्जाम दिए, मेरे एग्जाम में देखा मैंने कि मेरे 70 मार्क्स आते हैं फिर भी मेरी सिलेक्शन नहीं होती है, तो आप देखो कि यार 70 मार्क्स मेरे आ रहे हैं, मुझे अब सिर्फ
30 मार्क्स और लेने हैं, 100 में अगर मैं स्कोर करता हूं तो मेरी सिलेक्शन डन है। तो आपको उन 30 मार्क्स पर जो है फोकस करना चाहिए कि 70 मेरा स्कोर है, ऑन एवरेज में 70 लेके आता हूं, अब मुझे 30 और लाने हैं, तो उस 30 मार्क्स के लिए आपको पढ़ना है, डेफिनेटली जॉब आप ये होगी। अब आप सोचोगे नहीं, ठीक है, रिलाई करोगे दूसरों के ऊपर, ठीक है, आप सोचोगे अपने आपको, आपने एक झूठा दिलासा देना स्टार्ट कर दिया, अरे मेरे से नहीं होगा, ठीक है, मैंने इतना पढ़ा था, ऐसा नहीं है। जब तक आपकी मेहनत, आप जितनी मेहनत करोगे आज नहीं तो कल, आपकी मेहनत डेफिनेटली रंग लाएगी, आप जरूर जॉब करोगे, ठीक है ना, एंड जरूर आपको जो है वो जॉब मिलेगी। तो आपका कंसंट्रेशन जो है वो बिल्कुल सही चीजों पर होना चाहिए। तो ये बुद्धिस्ट वाले कहते थे कि भाई आप इन चीजों को फॉलो अप करो, आपकी लाइफ जो है वो हैप्पी रहेगी, स्मूथ रहेगी, आपको किसी भी चीज की कोई परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट वी हैव, देखिए, मध्य मार्ग भी इन्होंने कहा हुआ है, मिडल पाथ भी आप फॉलो कर सकते हो। मैन शुड अवॉइड बोथ एक्सट्रीम, दैट इज लाइफ ऑफ कंफर्ट एंड लग्जरी एंड अ लाइफ ऑफ सर्व एस्टेक्सिज्म जो है आप फॉलो छोड़ दीजिए। लग्जरी लाइफ को जो है, जैसे आपको आज कहा जाता है कि अगर आप हार्डवर्क कर रहे हो तो हार्डवर्क के लिए अभी आपको, अगर आप चाहते हो लाइफ में सही से एक अच्छी कंफर्टेबल मतलब अच्छी लाइफ जीना चाहते हो, तो अभी के लिए आपको सारी लग्जरी जो है वो छोड़नी पड़ेगी, ठीक है, सर्व एस्थेटिसिज्म में जो है वो आला पा जाओगे, ठीक है। तो ये मध्य मार्ग उन्होंने कहा है, आप ये भी फॉलो अप कर सकते हो। साथ ही साथ देखिए, हम लोग देखते हैं बुद्धिस्ट लिटरेचर के बारे में, तो बुद्धिस्ट जितने भी लिटरेचर हैं वो सारे के सारे पाली लैंग्वेज में लिखे गए हैं, याद रखना, पेपर में पूछते भी हैं कि बुद्धिस्ट लिटरेचर किस में लिखे गए हैं, तो बुद्धिस्ट लिटरेचर सारे के सारे पाली लैंग्वेज में लिखे गए हैं, कॉमनली रेफर टू एज त्रिपतकाज कहा जाता है उनको, ठीक है, इनको कहा जाता है त्रिपतकाज, जैसे वेदाज होता है वैसे ये भी थे त्रिपतकाज, दैट इज थ्री फोल्ड बास्केट है ये, ठीक है, थ्री फोल्ड बास्केट है। कौन कौन से हैं वो, पहला है विनयपातिका, विनयपातिका कहता है रूल्स ऑफ डिसिप्लिन इन बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज। अगर आप बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज में जा रहे हो, अब बेसिकली ये लोग ना दूसरों को बोलते थे कि बुद्धिज्म में आओ, ठीक है, अगर आप अपने रिलीजन से नहीं पसंद हो तो आप हमारे इसमें आओ, तो पहली जो इनकी बुक थी, जो भी इनका लिटरेचर है, विनयपातिका, वो कहता था कि जब आप बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज में एडमिशन लोगे तो आपको कैसे रूल्स और डिसिप्लिन फॉलो अप करने हैं। नेक्स्ट इज सुता पित्तिका, इट कंटेन्स कलेक्शन ऑफ बुद्धा सरमन, ठीक है, उनकी सर्मनी कैसे होगी, सर्मन्स क्या है, एंड टीचिंग, ठीक है, उनकी टीचिंग को आपने फॉलो अप करना है। इट इज लार्जेस्ट अमंग ऑल द पित्तिकास, वेरी गुड। तो आपको अगर पूछा जाए सबसे बड़ी पित्तिका कौन सी है बुद्धिस्ट की, तो सुता पित्तिका, याद रखना, सबसे बड़ी है। नेक्स्ट इज अभिधमा पित्तिका, तो इसको अगर हम देखें, इसका देखें तो एक्सप्लेनेशन ऑफ द फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन, ये आपको एक्सप्लेन करेगा फिलोसफी ऑफ प्रिंसिपल कि क्या है बुद्धिज्म, किस चीज के ऊपर बुद्धिज्म बना हुआ है, पूरी फिलॉसफी ऑफ बुद्धिज्म जो है वो अभी धर्मापित्तिका के ऊपर जो है वो जो है वो आती है। महावंशा एंड दीपवंशा और द ओल्डेस्ट बुद्धिस्ट टेक्स्ट ऑफ श्रीलंका, देखिए सबसे पुराने जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं उनका नाम क्या है, महावंशा एंड दीपावंशा जो है वो सबसे पुराने बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जो श्रीलंका में है, ठीक है, याद रखिएगा, ये है आपके बुद्धिस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन, और हर चीज आपको क्लियर होनी चाहिए गाइस, ठीक है, कंफ्यूज मत होना इसके बारे में भी। आपसे देखिए इंपॉर्ट सिंपल सा क्वेश्चन आपके बुद्धिज्म के बारे में जो है वो आएगा कि दैट व्हाट बुद्धिज्म, क्या बुद्धिस्ट लिटरेचर क्या कह रहा है, या बुद्धिस्ट की लाइफ जो है वो कैसी जो है इसकी आ रही है। ओके, नेक्स्ट आ रहा है कॉज ऑफ डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धिज्म क्यों डिक्लाइन हुआ, ठीक है, बुद्धिज्म क्यों डिक्लाइन हुआ, तो इसका कहा जाता है कि बुद्धिज्म इसलिए डिक्लाइन हुआ बिकॉज यूज ऑफ संस्कृत जो है वो ज्यादा होती थी इंटेलेक्चुअल, जैसे आजकल इंग्लिश हो रही है ना, तो आजकल क्या है, आजकल आपकी इंग्लिश लैंग्वेज हर जगह आ रही है, आप हिंदी बोलना बंद कर गए हो, या जो लोग आजकल पहाड़ों में रहते हैं, स्पेशली मैं बात करूं जो लोग भद्रवाह रहते हैं, या वो लोग जो किश्तवाड़ में रहते हैं, कश्मीर में रहते हैं, कश्मीर के किसी दूसरे एरियाज में रहते हैं, तो आपने देखा होगा कि आजकल लोग जो है अपनी लोकल भाषा का यूज जो है वो बंद कर गए, स्पेशली जैसे मैं अपने एरिया की बात करूं, हमारे भद्रवाह में क्या है, लोगों ने भद्रवाही बोलना जो है वो लोग दे फील शाई, वो शाई फील करते हैं, है ना, एंड दे यूज देयर कॉमन लैंग्वेज एज हिंदी और इंग्लिश या जो भी वो यूज करते हैं, बट ऐसा नहीं है, अपने कल्चर को प्रमोट करो, आप अगर आप भद्रवाही बोलते हो तो खुल के बोलो यार, इसमें कुछ नहीं है ना, तो अपने कल्चर को कभी मत भूलो, ठीक है। इधर भी ये देखो यही हुआ, लोगों ने पाली लैंग्वेज को यूज करना ही बंद कर दिया, आज कहीं पर कोई पाली लैंग्वेज बोलता ही नहीं है,
तो पाली लैंग्वेज अपनी जो एसेंस है वो खो चुकी है, ठीक है। एंड सेम इसी तरीके से देखिए हमारे, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, लोगों ने भद्रवाही बोलना बंद कर दिया। लोग जो हैं आजकल कैसी लैंग्वेज बोल रहे हैं, हिंदी बोलते हैं, अपने बच्चों को हिंदी सिखाते हैं। मोस्टली बच्चों के सामने अगर आप भद्रवाही करो उनको समझ ही नहीं आती, वो बोलते हमको समझ ही नहीं आती। क्यों? क्योंकि उनके साथ कोई भद्रवाही बोलता ही नहीं है। सो इस तरीके से हम लोगों ने देखा, या आजकल हम देखते हैं लोग हिंदी बोलना बहुत शाई फील करते हैं। अगर आप लोग इंग्लिश में ज़्यादा आजकल लोगों बच्चों को बोला जाता है कि आप इंग्लिश बोलिए, है ना। जो इंग्लिश बोलेगा वो एजुकेटेड है, जो हिंदी बोलेगा वो नॉन एजुकेटेड है। तो ये चीजें अपने माइंड से निकालना बंद कर दो भाई। हमारी लैंग्वेज है ही नहीं हिंदी, इंग्लिश है ही नहीं, इंग्लिश वेस्टर्न एजुकेशन है। तो वेस्टर्न लोगों के साथ करो ना, आप अपने कल्चर को लेकर जो है वो डटे रहो कि हमको हिंदी आती है, हमसे हिंदी में बात करो। अब आप अंग्रेज को अंग्रेजी में कभी नहीं हरा सकते और वो कभी आपको हिंदी में नहीं हरा सकता है। सो उसका अपना फील्ड है, हमारा अपना फील्ड है। तो इधर पे क्या हो गया, संस्कृत का यूज किया जाने लगा इंटेलेक्चुअल्स के लिए। जैसे आज भी अगर आप देखोगे, आप यहाँ से बाहर जाते हो, लाइक आप बंगाल चले गए या आप मद्रास चले गए, तो उनकी अपनी लैंग्वेज है, आपकी अपनी लैंग्वेज है। तो आपने क्या कर दिया, इंग्लिश कॉमन लैंग्वेज कर दी और आप बीच में बोलते हो, दोनों समझते हो। इधर पे क्या हो गया, पाली लैंग्वेज का यूज कम होने लगा, लोग जो है इंटेलेक्चुअल के लिए संस्कृत का यूज करने लगे, बिकॉज इंग्लिश इस टाइम पर नहीं थी, तो संस्कृत लैंग्वेज आती गई और सब कुछ खत्म होता गया। जैसे आज एक टाइम ऐसा आएगा कि हम लोग इंग्लिश ही बोलेंगे, हम लोग जो है वो अपनी लोकल लैंग्वेज आई हिंदी जो है वो खत्म हो गई होगी हमारी, कभी ना कभी ऐसा जरूर होगा। सो प्रमोट हिंदी, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है, अपनी हिंदी को प्रमोट करो। आप कश्मीरी बोलते हो, कश्मीरी को प्रमोट करो, किश्तवाड़ी बोलते हो, किश्तवाड़ी को प्रमोट करो, है ना। आप लोगों को अट्रैक्ट करो कि भाई आप हम जैसा बनो, हम आप जैसा क्यों बने। सो ये वेस्टर्नाइजेशन का कंसेप्ट छोड़ दो एंड अपना जो है कल्चर उसको प्रमोट करो, ठीक है। एंड बी प्राउड ऑन योर कल्चर एक्चुअली में, ठीक है। अपने कल्चर के बारे में एक्सप्लोर करो नई नई चीज़ें, बिकॉज यही चीज़ें आजकल हैं जो भी हैं। सो देखिए संस्कृत का यूज़ होने लगा एंड इंटेलेक्चुअल के लिए इन प्लेस ऑफ पाली, एंड द लैंग्वेज ऑफ द कॉमन पीपल जो है वो पाली थी। लेकिन अब लोग जो हैं, जैसे आज हिंदी है, तो आजकल आपके मिनिस्टर लोग भी जो सेलिब्रिटीज़ देख लो इंग्लिश में बातें करते हैं, तो हम लोग उनको फॉलो, वाह 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 क्या बंदा है यार इंग्लिश बोलता है। तो इसी तरीके से कॉमन लैंग्वेज जो है मासेस की हिंदी, वो खत्म हो जाएगी किसी न किसी टाइम पर, अगर ऐसा ही हम देखो। देखो ये एग्जाम्पल है आपके सामने, और रिवाइवल ऑफ हिंदुइज्म, और हिंदुइज्म ने अपने आप को फिर से रिवाइवल कर दिया, वापस लाया अपने एसेंस में। और ये रीज़न माना जाता है आपका किसमें, जो भी आपका ये है मतलब डिक्लाइन, बुद्धिज्म का डिक्लाइन क्यों हो गया। गाइज इसमें एक चीज मिसिंग है, मैं कोशिश करूंगा अगले क्लास में, बिकॉज ये बहुत लंबी क्लास हो चुकी है, एंड मैं कोशिश करूंगा अगली क्लास में उसको लाने की। दैट इज बुद्धिस्ट काउंसिल, ठीक है। बुद्धिस्ट जो आपकी काउंसिल थी वो इसमें है नहीं, इसलिए मैं कोशिश करूंगा बुद्धिस्ट काउंसिल को अगले उसमें लेकर आऊं, ठीक है। उसमें मैं पहले बुद्धिस्ट काउंसिल पढ़ाऊंगा, फिर आपको आगे का लेक्चर जो है वो स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो बुद्धिस्ट काउंसिल में से बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, कब कहां पर हुई थी, कितनी काउंसिल्स हैं, चार काउंसिल्स हैं उनकी, किस काउंसिल में, बिकॉज बुद्धिस्ट काउंसिल में से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही है, एंड आई होप गाइज कि आज की वीडियो आपको सही लगी हो। आपका कोई भी क्वेरी है इस वीडियो को लेकर, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ज़रूर लिखिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि मैं उस कमेंट का आंसर दूं और मैं अगली वीडियो में जो है उसका आंसर आपको दे सकूं। एंड गाइज जो फर्स्ट टाइम इस लेक्चर को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलें। एंड गाइज बाकी आपको पता ही है कि हमारे ऑफलाइन एंड ऑनलाइन बैचेस भी अवेलेबल हैं। अगर आप उसमें एनरोल्ड होना चाहते हैं तो आप ज़रूर ऐप को डाउनलोड करें, उस पर आपको सारी चीज़ें जो हैं वो अवेलेबल मिल जाएंगी। एंड कोई भी क्वेरी के लिए आप हमारे दिए गए ऑफिशियल नंबर पर कॉन्टैक्ट हमारे साथ कर सकते हो। सो गाइज आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, अपना ध्यान रखिएगा, अपने जो घर वाले हैं उनका ध्यान रखें, एंड जो आज चीज़ें हमने डिस्कस की उनको अपनी लाइफ का प्रिंसिपल बना लो और आप भी उनको फॉलोअप कर सकते हो, ठीक है। सो मिलते हैं कल एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने आस पड़ोस का ध्यान रखें और देखते रहें, जुड़े रहें जेके एग्जाम क्रैकर के साथ। हैव अ नाइस डे गाइस एंड थैंक यू सो मच गाइज़।